अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेप का ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट 17 फेब को सुबह 10 बजे हो रहा है। ये 6 बजे तक शाम के लाइव रहेगा। 10 से 6 बजे तक के दरमियान आप इस टेस्ट को सबमिट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि सुबह के टाइम पर सॉल्व करें। MDCAT आपका उस टाइम पर होना है। आपको पता चले कि एग्जैक्टली अगर पिछले 6 माह के जो तमाम आपने चीज़ें की हैं, तमाम आपने तैयारी की है, अकेडमी गए हो, नए पैसे पढ़ाए, व्हाट्सएवर जो चीज़ें की हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, वो आपको कहाँ लेके खड़े हैं, इस चीज़ को टेस्ट आउट करने के लिए 17 को सुबह 10 बजे आपने इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं कर सकते, अकेडमी हो, कॉलेज हो, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, शाम 6 बजे तक आप इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ये टेस्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। और 8 बजे इंशाल्लाह जो भी विनर्स होंगे फर्स्ट 3, उनकी हम आपको गिफ्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ओरिएंटेशन के अंदर, ग्रैंड ओरिएंटेशन के अंदर अनाउंस कर देंगे। इन तमाम डिटेल्स को, रजिस्टर कैसे करना है, सिलेबस क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करो, खोलो, जाके देखो, वहाँ पे तमाम चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उनको क्लियरली एक एक चीज़ को पकड़ के पढ़ो ताकि कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए। अब आ जाती है बात कि मैं ये वीडियो क्यों आपको सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्यों ये एप्लीकेशन का जो व्यू है आप देख रहे हो। इसकी बेटा रीज़न ये है कि आपके पास कोई बहाना ना हो, आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो स्कॉलरशिप टेस्ट में जाने से पहले कि भाई मैंने तो तैयारी नहीं थी, मैं तो, मुझे तो 4-5 दिन पहले पता चला, 10-15 दिन पहले पता चला, मैं उसको यूज़ नहीं कर सका सही तरह से। नियर पर आपको एक रिव्यू स्केड्यूल दे रहा है, इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज दे रहा है, और ये सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ताकि आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ इस टेस्ट के अंदर आओ। समझो कि ये MDCAT टेस्ट है। पिछले 6 महीने सितंबर से लेकर अब तक मैंने जो कुछ किया, MDCAT आ गया, अब मैं देखने जा रहा हूँ MDCAT। इसकी बेसिस पे आपने अपने आगे के जो 5-6 महीने रह गए हैं इनको प्लान आउट करना है। तो इस वजह से आपको नियर पे कुछ रिसोर्सेज दे रहा है। कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, नियर पे की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपको फर्स्ट बटन नज़र आ रहा है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट प्रेप स्केड्यूल, इसको क्लिक करोगे आपके सामने फौरी तौर पर स्केड्यूल खुल जाएगा। इस स्केड्यूल के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं हम लोगों ने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे 10 फेब को सैटरडे के दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश का क्या करो, ठीक है। सिर्फ क्या करो नहीं हम बता रहे, हम आपको ये चीज़ भी बता रहे हैं कि बेटा चलो इस तरह करो कि स्टेप 1 पे बुक रीडिंग वगैरह कर लो, लेक्चर वगैरह आपके पास ऑलरेडी होंगे और पेड स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, सब स्टेप्स उनके पास मौजूद हैं। स्टेप 2 पे प्रैक्टिस कर, हमने क्विज आपको दे दिया, इसको सॉल्व कर लो। ना सिर्फ ये बल्कि इसको टेस्ट आउट करने के लिए यहाँ पे टेस्ट भी कर लो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, नीचे बॉट आपके पास अवेलेबल है, इधर आओ, आके क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर कहीं भी और ज़रूरत पड़ती है, फ्री रिसोर्सेज के अंदर जाओ, जो फ्री रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं इनको यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिल चुकी हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1, 2 एंड 3, इन पर जिन पर मेरा कर्सर गया, 1, 2 एंड दिस 1 इज़ 3, ये आपको तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुकी हैं ताकि आप अपने टेस्ट के अंदर जाने से पहले प्रिपेयर जाएँ। टेस्ट के टाइम पर आपका जो यहाँ पे स्कोर प्रेडिक्टर नज़र आएगा ना, जिस आज आप अपनी तैयारी शुरू करते हो, जो स्कोर प्रेडिक्टर यहाँ पे बनेगा एग्जैक्टली इसी के राउंड आपका जो स्कोर प्रेडिक्टर है, स्कोर है, वो टेस्ट के अंदर भी आ रहा होगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जिस दिन जो काम करो, स्कोर प्रेडिक्टर और स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूज़ करते हुए अपनी उन तमाम चीज़ों को, जिस तरह अगर स्कोर आपका आ रहा है 190 आ रहा है तो ज़बरदस्त है, 190 आ रहा है तो जी 190 से आगे मेरी क्या वीकनेसेस, उन पर काम किया और उनको ठीक कर लिया। तो इस तरीके से आपने अपने आप को लेकर चलना है कि कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता ना रहे और आप इसको विन कर सकें, स्कॉलरशिप टेस्ट को भी और इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, जो रैंक वाइज आप लोगों को गिफ्ट्स वगैरह मिलने हैं उनको भी। इस सारी चीज़ को हासिल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ एक लिंक, उसको क्लिक करो, सारी डिटेल्स मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। कोई क्वेश्चन अभी तक दिमाग में रह गया तो जल्दी से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। और बेटा आपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको ये फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको ज़रा आपने जाकर डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करो ताकि कोई बहाना ना रहे और अच्छा रैंक हफ्ते के दिन आप ला के दिखा सको खुद को भी और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको, या जब गलतियाँ कर रहे हो रैंक नहीं आता तब भी पता चल सके कि अगले 6 माह के अंदर क्या करना है। जैसे 6 माह गलतियाँ कर ली, अगले 6 माह में क्या करना है, उनको कैसे बेहतर करना है। थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रजिस्ट्रेशन इन द टेस्ट। 1000-1200 बच्चे नहीं बल्कि 5-6 हज़ार बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। अच्छे तरीके से तैयार हो गया हो और अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो गया हो, यही कंपटीशन आपको PMDC में नज़र आना है। और यहाँ पे अगर आप टॉप कर रहे हो, यहाँ पे अगर क्वालिफाई करो तो इंशाल्लाह MDCAT में भी क्वालिफाई कर लोगे, वही चीज़ें आगे कंटिन्यू करके, और अगर गलतियाँ ठीक कर लेते हो तो इंशाल्लाह यहाँ पे फेल होना कोई मसला नहीं है, आगे क्वालिफाई कर लोगे।
कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, वहाँ पे डालें क्वेश्चंस। आई विल बी डायरेक्टली एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ताकि आप टॉपर बन सकें, आप डॉक्टर बन सकें।